बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है। राजधानी पटना के सचिवालय स्थित नेक संवाद में यह बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस के आला अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल के लिए पूरी मजबूती से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सख्ती के साथ कहा है कि विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था के सख्त होने से राज्य में हो रहे विकास कार्यों का वास्तविक लाभ लोगों को मिलेगा। वहीं इस बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि रात्रि गश्ती के साथ साथ नियमित गश्ती भी अनिवार्य रूप से करें, शराबबंदी का सख्ती से पालन करें, धंधेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ओवरलोडिंग और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखें, उनके खिलाफ हो रहे अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, भूमि विवाद के समाधान के लिए सभी संबंधित अधिकारी नियमित रूप से बैठक करें। सीएम ने आगे कहा कि सभी के सहयोग से हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे।